जमुड़िया में 34 साल नहीं 44 साल बाद हम लोग जीता है, ये सचमुच एक रिकॉर्ड है। जमुड़िया का और आसनसोल शिल्पांचल का जनता, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का जो 10 साल का काम है, उस काम को लोगों तक पहुंचाया हम लोग, और यही हमारा सफलता है। और जिस तरह से दीदी जो स्कीम किया है दुआरे सरकार से लेके, उसका बाद हम लोग बंगोध्वनि यात्रा किया, लोगों का घर घर गया, उसके साथ साथ जितना भी काम पढ़ाई समाधान, ये सब हमारा जो पार्टी का कर्मसूची था, उसमें लोगों को हम लोग जानकारी पहुंचा सका कि जो भी काम बंगाल में हो रहा है, तरक्की का काम हो रहा है, ये सब दीदी कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि हम लोग ये इस जिला से इतना अच्छा रिजल्ट हम लोग किया है। आज पांडवेश्वर, रानीगंज, आसनसोल नॉर्थ, बाराबुनी, जमुड़िया, ये सब विधानसभा में हम लोग जीता है, और जो विधानसभा में हम लोग नहीं जीत पाए वो भी बहुत ही कम मार्जिन से। तो लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, और ख़ास करके जमुड़िया के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 34 साल का जो वामफ्रंट का राजत्व था जमुड़िया में, उसको आप लोग ख़त्म किया है, दीदी का ऊपर भरोसा किया है, और ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल का तरक्की 10 साल किया है, आने वाले 5 साल भी वो उससे ज़्यादा ही होगा। और आसनसोल उत्तर के लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों का ऊपर विश्वास किया, और ये तीसरा बार मलय घटक को उन्होंने जिताया, ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि कोई भी MLA दो बार का ज़्यादा आसनसोल उत्तर से नहीं जीत सका। ये पहला बार है कि किसी को तीसरा बार के लिए लोगों आसनसोल के लोग चुना है। तो एक तरफ से जमुड़िया में भी एक रिकॉर्ड हुआ, आसनसोल उत्तर में भी एक रिकॉर्ड हुआ। दादा, चाहे आसनसोल उत्तर की बात करें या जमुड़िया की बात करें, अब क्या वहाँ पे काम बचा हुआ है, या अब क्या इच्छा है आपका वहाँ पे करने का? देखिए, जमुड़िया में तो बहुत काम बचा हुआ है, खास करके पानी का समस्या जमुड़िया में एक बहुत दिन से चल रहा है। तो हम लोग काम शुरू कर दिया है, ओवर हेड टैंक जो है वो बन चुका है, पाइपलाइन का काम चल रहा है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट का भी काम जो 44 साल से CPM ने नहीं किया, उसको हम लोगों को करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जमुड़िया में उतना नहीं है, रास्ता और बनना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम तो जमुड़िया में कुछ है ही नहीं है, तो इसको भी हम लोग को सुधारना है। तो अगले 5 साल हम यही उम्मीद करते हैं कि पूरे बंगाल में के साथ साथ जमुड़िया में भी तरक्की होगी। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए NM News, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।